कार्टून टीवी। एल कोको, एक नर पक्षी। रोनाल्ड अपनी पत्नी करीना आते कुड़ी दे नाल मुंबई शहर विच रहंदा सी। रोनाल्ड दा अपना खुद दा बिजनेस सी। वो गुड़ियां आते खिडौनियां दी मैन्युफैक्चरिंग करांदा सी। क्रिसमस आन ही वाला सी ते उन्हें अपनी कुड़ी नू तोहफा देन दे लई एक गुड्डी तैयार करवाई जो रोजी दे कद दी ही सी। जिन्हों वेख के रोजी बहुत खुश होई अते उन्हें उस गुड्डी नू अपने नाल नाल रखना शुरू कर दिता। अपनी कुड़ी नू खुश वेख रोनाल्ड ते करीना बहुत खुश होन लगे। रोजी नू बचपन तो ही नेरे तो बहुत डर लगता सी जिस करके वो बिना चानन दे नहीं सो पाती सी। इसलिए रोनाल्ड नू ओदे कमरे दी बत्तियां हमेशा जगा के रखनिया पैंदियां सी। पर गुड्डी दे आन तो बाद रोजी च काफी बदलाव वेखन नू मिलिया। वो हमेशा हसदी अते तंदरुस्त रहिंदी सी अते नाल ही नाल उन्ने नेरे तो भी डरना बंद कर दिता सी। एवें ही एक दिन उन्हां ने रोजी नू गुड्डी नाल गल करदे होए सुनिया। ठीक है, मैं मम्मी पापा नाल गल करांगी, हुण ते मान जा, गुस्सा ना हो। बेटा रोजी, तुसी किदे नाल गल कर रहे हो? पापा, कुकू मेरे नाल गुस्सा है। कुकू, ए कौन है? रोजी अपनी गुड्डी नू कुकू कह के बुलांदी सी। उदा ए कहना सी कि कुकू ने ही उन्नू ए नाम लैण लई कहा है। रोजी दी ए गल्लां सुन ओ दोनों हसन लगे। उन्हां नू लगा रोजी आप ही ए कहानी बना रही होगी। जिदे बाद रोजी ने कुछ होर भी कहा। पापा, कुकू मेरे नाल गुस्सा है। ओ कह रही है कि ओ खुद नू इस घर च कल्ला महसूस कर रही है। ओ चाहती है कि ओदे लई इस घर च पार्टी रखी जाए जिदे च मेरी सारी सहेलियां नू बुलाया जाए। रोनाल्ड नू लगा कि रोजी खुद नू इकल्ला महसूस कर रही है, ताही वो एक दिन पार्टी दी फरमाइश कर रही है। कुड़ी दी गल मानदे होए रोनाल्ड ने पार्टी लई हामी भर दित्ती। जिदे बाद रोजी ने कहा, पापा, कुकू बोल रही है कि उनू सिर्फ बच्चे ही चाहिदे ने पार्टी च। अपनी कुड़ी दे मुंह तों एदा दी गल सुन उनू थोड़ा अजीब लग्या। जिदे बाद रोनाल्ड ने उनू पुछया, बच्चे ही चाहिदे है? मतलब कुकू नू सिर्फ बच्चे ही अच्छे लगदे ने। ओ पार्टी च सिर्फ बच्चे ही चांदी है, ना कि घर दे वड्डे लोग। रोनाल्ड नू ए गल थोड़ी अजीब ता लगी, लेकिन इनू अनसुना कर दिता। सारे क्रिसमस दी तैयारियां च लगे हुए सी। ओदो ही अचानक शहर च तेज नेरियां चलन लगियां। शहर विच रात दे समय बच्चे फड़न दियां खबरां आन लगियां। थां थां तो पुलिस दी आवाजां आन लगियां। बच्चियां दे गायब होण तों शहर च करफ्यू ला दित्ता गया। फिर एक दिन अचानक बच्चे दी लाश दी इन्नी बुरी हालत वेख सारे हक्के बक्के रह गए सी। किसी नूं वी हुण समझ नहीं आ रहा सी कि ऐ मासूम बच्चियां दी बुरी हालत कौन कर सकदा है। उत्थे ही दूजे पासे रोजी दी तबीयत इन्नी खराब हो रही सी, ओदी तबीयत एकदम बिगड़ गई सी। शहर च करफ्यू लगन दी वजह तों ओदा इलाज चंगी तरह नहीं हो पा रहा सी। देसी तरीके नाल रोनाल्ड अते करीना रोजी दी देख रेख कर रहे सी, पर रोजी नू जरा भी फर्क नहीं पै रहा सी। जिवें तिवें करके शहर दी इन्नी बुरी हालत दे बाद रोनाल्ड ने अपने घर विच एक पार्टी रखी ताकि रोजी नू चंगा महसूस होए। क्रिसमस दा दिन सी, पार्टी लई घर विच सिर्फ बच्चियां नू ही बुलाया गया। पूरे घर विच सिर्फ बच्चियां दे हसन खेडन दियां आवाजां आ रहियां सी। सब कुछ बहुत वधिया चल रहा सी कि थोड़ी ही देर च उत्थे पुलिस आ गई। पुलिस नू अपने घर वेख रोनाल्ड बहुत घबरा गया।
पुलिस नाल गल करन ते उन्हां ने कुछ अजेहा दस्या जिस नूं सुन के रोनाल्ड ते करीना दे पैरां थलो जमीन निकल गई। पुलिस दे हत्थां च कैमरा सी जिहदे च किसी तरह दी वीडियो सी। देखने तो बाद किसी नूं भी कुछ नहीं समझ आ रहा सी। असल च ओ वीडियो रोजी दी ही सी जिदे चो उसी बच्चे नूं खा रही सी जिदी लाश हाल ही च पुलिस नूं एक जंगल च लब्बी। पर ऐ किवें हो सकदा है कि एक 3 साल दी बच्ची ओनू मार के खा लवे। रोनाल्ड ते करीना ऐ गल जान के एकदम हैरान रह गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोजी ऐदा कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो अजे बच्ची है। किसी नूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी। पर जे वेख्या जाए ते हालात किसी होर वल भी इशारा कर रहे सी। रोनाल्ड बहुत घबराया होया सी। ओनू लग रहा सी कि ओदी कुड़ी दी मानसिक हालत खराब है। पर पुलिस नूं आपदा काम करना सी जिदे लई उन्हां नूं रोजी चाहीदी सी। गलबात दे बाद ही पुलिस किसी नतीजे ते पहुंच सकती सी जिदे बाद सारे अंदर दे पासे जान लगे। पर उधर दी हालत देख सारिया दे होश उड़ गए। सब वेख के घबरा गया। ओदी अखां अपनी कुड़ी रोजी नूं ही लभ रहीआं सी। लाशां दे उत्तों जांदे हुए रोनाल्ड अग्गे वध रहा सी। रोजी बस 3 साल दी कुड़ी हुण मर चुकी सी। पर जे रोजी सारिआं नूं मार रही सी ते ओनू किन्ने मारिआ? हुन सब कुछ उलझ गया सी। उदों ही रोनाल्ड दी नज़र रोजी दे नाल पई गुड्डी ते पैंदी है जिदे सामने खून नाल वड्डे वड्डे अखरां नाल लिखिया हुंदा है एल कोको। एल कोको दा नाम वेख करीना तड़फ गई जिदे बाद उन्हें कहा, साडा शहर बहुत वड्डी मुसीबत च है। एल कोको कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। सानू जल्दी तो जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अपनी कुड़ी नू गवा बैठा रोनाल्ड हुन सदमच सी। करीना दी गल सुन ओ हुन होर घबरौन लगा। उत्थे ही दूजे पासे एल कोको नाम सुन पुलिस उत्थों निकल गई सी। इस डरावने किस्से दी गल शहर च ना फैलन दा ध्यान रखन लई सारिया ने गल दबाउण दी सोचिया। रोनाल्ड नू हुने भी एल कोको दी पहचान तो अनजान सी जिदे बारे करीना ने उनु दस्या। एल कोको दी कोई पहचान नहीं है, उदी खुद दी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ओ हुने भी कदे भी ते कुछ भी कर सकदा है। ओ तुहाडे च भी या मेरे च भी हो सकदा है। ओ किसी दा भी रूप लैके तुहाडे तो कुछ भी करवा सकदा है। साडी कुड़ी रोजी नाल कुछ इदा दा ही होया है। इन्ने दिनां तो ਇਹੀ ਮੌਨਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਲ ਕੋਕੋ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸਟ ਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕੇ। ਕਰੀਨਾ ਐਸਾ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦੀ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਰੋਨਾਲਡ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। थोड़ी देर शांति तो बाद घर विच रोशनी हुई। बोलिया सी ना कि कोई भी हो सकता है ते कुछ भी हो सकता है। ओ तू भी हो सकता है ते मैं भी हो सकती हूँ।
जे थोनू ये वीडियो पसंद आया होवे तां लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो ते सब तो पहला साडे वीडियोज देखण लई चैनल सबसक्राइब करो ते बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।